एकलव्य विद्या संकुल। कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांग कथनी और करनी भाग 2। इसका साहित्य प्रकार है निबंध। विद्यार्थी मित्रों, इस निबंध के अगले भाग में हमने क्या देखा था? हमने सबसे पहले कथनी और करनी का अर्थ जाना था कि कथनी और करनी क्या होती है, जिसमें हमने देखा था कि कथनी अर्थात क्या होता है, कहना, मतलब कि मनुष्य के मुख से जो शब्द जो वाक्य निकलता है वो उसकी क्या कहलाती है, कथनी कहलाती है। और उसी प्रकार करने का अर्थ होता है करना, मतलब कि मनुष्य के द्वारा किए गए उसके कर्म उसकी करनी कहलाते हैं। तो इस पाठ में हमने अगले वीडियो में देखा था कि कई उदाहरण हैं जिसके द्वारा मनुष्य की कथनी और करनी में क्या अंतर है वो हम देख सकते हैं। मनुष्य तभी महान बन सकता है जब उसकी कथनी और करनी में क्या ना हो, अंतर ना हो। लेकिन हमारे सामने कई ऐसे मनुष्य होते हैं जो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इसके लिए हमने पहला दृश्य हमने देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था, फूल तोड़ना मना है। तो यहाँ पर इस तस्वीर में देखें तो एक सज्जन व्यक्ति है जो क्या तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक तख्ती है जिस पर क्या लिखा है, फूल तोड़ना मना है। तो इस कहानी में हमने क्या देखा था कि सरकार ने पार्क के लिए सोसाइटी के बीचों बीच जगह छोड़ रखी थी, वहाँ पर एक सज्जन ने क्या लगाए, फूल और पौधे लगाए। और फूल और पौधे लगाने के बाद उसकी देखभाल की और फिर उस पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल खिलने लगे। वो जो पार्क था वो बहुत ही सुंदर लगने लगा। सुबह शाम लोग वहाँ पर टहलने आने लगे। तो उस सज्जन व्यक्ति को क्या सूझा कि कहीं ये लोग फूल तोड़ ना ले, इसलिए उसका कहना यह था कि फूल कभी तोड़ने नहीं चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया, वहाँ पर एक तख्ती लगाई और उस पर क्या लिखा कि फूल तोड़ना मना है। और फिर मज़े की बात तब आती है जब बड़े सवेरे सुबह सुबह वो सज्जन व्यक्ति खुद फूल तोड़ता हुआ नजर आता है। मतलब कि जो लोगों को कहता है कि फूल तोड़ना मना है, वही व्यक्ति खुद फूल तोड़ रहा है। अर्थात उसकी कथनी और करनी में अंतर है। उसकी कथनी क्या है कि फूल तोड़ना मना है, और करनी क्या है कि वो खुद ही फूल तोड़ रहा है। तो उसी प्रकार हम दूसरा दृश्य देखें तो यहाँ पर देखो, धूम्रपान करना वर्जित है। तो यहाँ पर जो तस्वीर है इसमें एक बस का दृश्य है जिसमें यात्री बैठे हुए हैं और कंडक्टर यहाँ पर सिगरेट पी रहा है। और यहाँ पर ऊपर बस में लिखा हुआ है धूम्रपान वर्जित है। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम इस कहानी को देखें कि इस कंडक्टर की कथनी और करनी में क्या अंतर है। तो देखो, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। अर्थात बस में हम देखते हैं कई जगह पर कि बस में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, तो सही बात है क्योंकि बस में सिगरेट नहीं पी सकते क्योंकि आग लगने की संभावना हो सकती है, नुकसान हो सकता है, अकस्मात हो सकता है, इसलिए बस में लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है। तो यात्रा करते हुए एक बार क्या हुआ कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और वो पीने लगा। तो कंडक्टर ने उसे कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। तो उस कंडक्टर ने कहा, वो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। उसने कहा है, वो बहुत ही सही बात है कि भाई बस में कभी भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि आग लगने की संभावना हो सकती है। फिर उस कंडक्टर ने उस यात्री से जलती हुई बीड़ी खिड़की से फेंकवा दी, कहा कि फेंक दो, बस में धूम्रपान करना निषेध है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, मतलब कि कंडक्टर ने सबसे टिकट ले ली और फिर वो कहाँ जाकर बैठता है, ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। अब देखो,
जो कंडक्टर यात्री को कहता है कि बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, वही कंडक्टर कैबिन में जाकर ड्राइवर के साथ मिलकर सिगरेट जलाकर पी रहा है। तो एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहा, कहने लगे कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। मतलब कि वो जो यात्री था उसने कंडक्टर को और ड्राइवर को सिगरेट पीते हुए देखा तो उसने इशारा किया जहाँ पर बस में लिखा था कि धूम्रपान करना वर्जित है। और फिर कंडक्टर से क्या कहा कि भाई साहब बस में सिगरेट पीना नहीं चाहिए। तो इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, कंडक्टर ने शीघ्र क्या जवाब दिया, यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। भाई वो एक कैसी बात हुई, बस में यात्रा करते समय अगर यात्री सिगरेट पिए तो अकस्मात होने की संभावना हो सकती है, तो कंडक्टर और ड्राइवर सिगरेट पिए तो क्या अकस्मात नहीं हो सकता, उसके पीने से भी अकस्मात हो सकता है। मतलब कि नियम सबके लिए होने चाहिए, लेकिन इस कंडक्टर की कथनी और करनी में अंतर है। वो लोगों को कहता है कि बस में यात्रा करते समय क्या करना नहीं चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो खुद ही धूम्रपान करता है। लोगों को कहता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और फिर वो खुद सिगरेट जलाकर मजे से पी रहा है। तो ये ही उसकी कथनी और करनी में अंतर। मतलब कि वो कहता है कि नियम सिर्फ आपके लिए हमारे लिए नहीं है। तो ये कंडक्टर की कथनी और करनी में अंतर है। इसके बाद हम देखें तो एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा कि मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तो दुकानदार क्या बोला, पर दुकानदार के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति दुकान पर जा रहा है और फिर वो दुकान के सामने स्कूटर खड़ा करके, बीच सड़क में स्कूटर खड़ा करके वो दुकान के अंदर जा रहा था। तो दुकानदार ने कहा कि आप अपना स्कूटर वहाँ पर पार्किंग में खड़ा करके आइए, क्योंकि बीच सड़क में जो स्कूटर खड़ा रखना वो अच्छी बात नहीं है। उस ग्राहक ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना, मैं जल्दी जल्दी अपना सामान लेकर चला जाऊँगा। लेकिन फिर भी दुकानदार ने क्या कहा कि दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सही बात है, दुकानदार जो कह रहा था वो बहुत अच्छी बात है कि कहीं पर भी बीच सड़क में स्कूटर खड़ा नहीं करना चाहिए, उससे अकस्मात होने का भय रहता है। बहुत अच्छी बात है। फिर उस सज्जन ने क्या किया, उस सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया। मतलब कि उस सज्जन ने वो स्कूटर कहाँ पर खड़ा किया, पार्किंग में, और फिर वापस आकर सामान खरीदने लगा। फिर वो दुकान में आया और अपना सामान खरीदने लगा। अब देखो, इतने में ही स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। देखो, इतने में ही एक लड़का आया, उसने क्या किया, दुकान के सामने बीच सड़क पर अपना स्कूटर खड़ा किया और फिर दुकान के अंदर चला गया। तो यह कौन देख रहा था, वो सज्जन व्यक्ति। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा कि आपने इसे तो मना नहीं किया, बराबर, जब मैं स्कूटर वहां पर खड़ा कर रहा था तो आपने तुरंत मुझे मना कर दिया कि बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा नहीं करना चाहिए। तो वो जो लड़का है वो भी यहाँ पर बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करके दुकान के अंदर चला गया, तो आपने उसे मना क्यों नहीं किया। तो वह क्या बोला, वह बोला कि यह तो मेरा बेटा है। मतलब कि ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, अपने बेटों के लिए कोई भी नियम नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए कोई भी नियम लागू नहीं होते, दूसरों के लिए लागू होते हैं। हम स्कूटर खड़ा करें तो अकस्मात हो सकता है, लेकिन अगर उसका बेटा स्कूटर खड़ा करे तो अकस्मात नहीं हो सकता। मतलब कि इस दुकानदार की कथनी और करनी में अंतर है। वो दुकानदार क्या कहता है कि कभी भी बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा नहीं करना चाहिए, इससे अकस्मात हो सकता है। उसका कहना बहुत ही अच्छा है,
लेकिन फिर जब उसका बेटा स्कूटर खड़ा करता है तब उसे कोई नियम लागू नहीं होता। तब क्या अकस्मात नहीं हो सकता? तब भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने बेटे को मना नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य ही अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को झूठ बोलने पर, बुरे मार्ग पर चलने के लिए वो खुद ही उसे प्रोत्साहित करते हैं, वो खुद ही उससे झूठ बोलवाते हैं, वो खुद ही उससे गलत काम करवाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर देखो कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। मतलब कि इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं कि आदर्श की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही उदाहरण है, दुकानदार वाला। ये किराना की दुकान है, यह दुकानदार है, और फिर एक व्यक्ति जो उसे क्या कह रहा था कि आपने अपने बेटे को मना क्यों नहीं किया। मतलब कि वो दुकानदार आदर्श की बातें करता है, बड़े बड़े आदर्श की डींगे मारता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उसका बेटा खुद वही करता है तब उसका मुंह बंद हो जाता है। तो हमारे समाज में, हमारे संसार में, ये पूरी दुनिया में, हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते कुछ है और करते कुछ है, आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर उसका पालन नहीं करते। जब पालन करने की बारी आती है तब सब कुछ भूल जाते हैं। बड़े बड़े लोग होते हैं जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, किस पर? दहेज पर, कि कभी दहेज नहीं लेना चाहिए, बराबर, विधवा विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर अपने बेटे की जब शादी होती है ना तब थैला भर भर के वो दहेज लेते हैं और फिर जनता के बीच बड़ा बड़ा भाषण देते हैं कि दहेज लेना नहीं चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। जब अपनी बारी आती है तो थैले भर भर के वो दहेज लेते हैं लड़की वालों से। तो ऐसा ही है हमारे समाज में। अब एक आगे का दृश्य है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मतलब कि एक सज्जन का घर था, उसके घर उसका मित्र आया और दोनों मित्र आपस में बातचीत करने लगे और तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। मतलब कि उसने खिड़की से, दरवाजा नहीं खोला उस व्यक्ति ने, खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है, तो उसने देखा कि बाहर कौन था, मकान मालिक खड़ा था। और वो क्या करने आया था? वो पिछले 4 महीने का किराया लेने के लिए बार बार उसके पास आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझा कर बाहर भेजा। मतलब कि वो जो सज्जन व्यक्ति था उसके पास किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को माध्यम बनाया। अगर वो अंदर आ जाए तो किराया मांगेगा और किराया देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए उसने बच्चे को समझा बुझा कर बाहर भेजा। उसने बच्चे को क्या समझाया होगा? बच्चे बिल्कुल निर्दोष होते हैं, नादान होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। तो उसने बच्चे को समझाया और फिर बच्चा बाहर गया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ, बराबर। उस मकान मालिक ने कहा कि अंदर जाओ और तुम्हारे पिताजी को बुलाओ और कहो कि मैं किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया तुरंत, तपाक यानी कि तुरंत, ऑन द स्पॉट। उसने क्या जवाब दिया? कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। देखो अब कितनी हंसी की बात हुई कि पिताजी ने, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? कि मेरे पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। मतलब कि बच्चे निर्दोष होते हैं, उसे जो कहलवाया जाता है वही वो बोलते हैं। उसने क्या कह दिया? कि मेरे पिताजी ने अंदर से कहा है कि उसे कहना कि वो घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। उसे शर्म आने लगी क्योंकि वो अपने बच्चे को क्या बुलवा रहे थे? झूठ बुलवा रहे थे। अपने बच्चे को कहते थे कि बाहर जाकर बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। कई बार हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है। कई बार किसी का फ़ोन आता है और हमें उससे बात नहीं करनी है तो हम अपने बच्चों से फ़ोन उठवाते हैं और कहते हैं कि उसे बोल दो कि पापा घर पर नहीं, या कहीं बाहर गए या कुछ लेने गए। तो बच्चों
को गलत रास्ते पर जाने के लिए हम ही प्रेरित करते हैं, हम ही उसे कहते हैं, हम ही उसे झूठ बुलवाते हैं, तो इससे बच्चे गलत बात सीखते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके आगे एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति था, उसने अपने पोते को क्या सिखाया था कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, धीरज के साथ अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए और अपनी बारी की मतलब कि अपना नंबर आए उसकी हमेशा प्रतीक्षा करनी चाहिए। मतलब शॉर्टकट मतलब कि जैसे तैसे काम निपटा दे ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी सीख उसने किसको दी थी? अपने पोते को दी थी। फिर देखो एक दिन की बात है, वही सज्जन वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, मतलब कि वही सज्जन बिजली का बिल जमा कराने के लिए गए और साथ में उसका 8 वर्षीय पोता भी था। वही पोता जिसको उन्होंने क्या सीख दी, उन्होंने उसको यह सीख दी थी कि हमें कोई भी कार्य गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, जब तक हमारा नंबर न आए तब तक उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है और उस लाइन में लोग बिजली का बिल भर रहे हैं और ये सज्जन व्यक्ति है और उसके साथ उसका पोता। तो इसमें क्या होता है कि बिजली जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वो कोई उपाय सोचने लगे। तो सज्जन व्यक्ति अपने पोते को लेकर वहाँ गए और फिर वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत लंबी कतार है बिजली का बिल भरने वालों की। तो फिर वो सोचने लगे कि अब क्या करें, क्या करें। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, मतलब लाइन में सभी लोग जो खड़े थे उनको ध्यान से देखा और आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया और आगे ही उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया जो थोड़ा परिचित था, उसे जान पहचान वाला था, पहचानते थे उसे। वे तुरंत उसके पास गए और बोले कि बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करवा दो। मतलब कि उस सज्जन व्यक्ति ने क्या किया कि उसे लंबी लाइन में पीछे नहीं खड़ा रहना था, उसे पता था कि यहाँ पर खड़े रहने से तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए एक परिचित व्यक्ति को अपना बिल थमा दिया और फिर झूठ बोला। क्या कहा कि बेटा यह बिल तुम घर पर ही भूल आए, तुम इसे भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल एवं राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। मतलब कि वो व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही वो साइड में चले गए और फिर वहाँ जाकर खड़े हो गए। वो पैसे और बिल दोनों उसके हाथ में थमा दिए ताकि तुरंत सबसे पहले सबसे जल्दी जल्दी उसका बिल भर दिया जाए और उसका काम तमाम हो जाए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। बराबर वही पोता जिसको दादाजी ने क्या सीख दी थी कि कोई भी कार्य गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, तो वही दादाजी उन्होंने क्या किया, बिजली का बिल भरने के लिए लंबी लाइन में खड़ा न रहना पड़े इसलिए उसने एक व्यक्ति को ये बिल और पैसे थमा दिए ताकि जल्दी जल्दी उसका काम पूरा हो जाए। मतलब कि उसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, गलत तरीका अपनाया। और फिर उसके बेटे ने जब कहा कि दादाजी लाइन में लगिए ना, तो उसकी बात सुनकर आसपास के सभी लोग उस पर हंसने लगे। मतलब कि हमारे जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं, इस दादाजी ने भी बड़ी आदर्श की बात की कि हमें कोई भी कार्य गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो खुद ही गलत तरीके से काम करते हैं, खुद ही गलत रास्ता अपनाते हैं बिल भरने के लिए। मतलब कि उसकी कथनी और करने में अंतर है, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तो इस प्रकार के कई लोग हमारे सामने आते हैं जो इस प्रकार की आदर्श की बातें करते हैं लेकिन अपनाते नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बात करते तो है पर उन्हें अपनाते नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए,
अच्छे रास्ते अपनाने चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, चोरी और डकैती नहीं करनी चाहिए, ये सारी सीख वो लोगों को देते हैं। लेकिन जब वो खुद को अपनाने की बारी आए तो वो अपना मुंह मुकर लेते हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। हम जैसा कहे वैसा ही करें। अगर हम कहे कि कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए तो हमें जीवन भर कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम कहे कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे तो हमें जीवन भर कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कहना कुछ और करना कुछ और, ऐसे प्रकार के व्यक्ति अच्छे नहीं होते, ऐसे प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। इससे हमारा जो प्रभाव होता है वो गलत होता है। अब इस दादाजी ने जो किया कि बिल भरने के लिए शॉर्टकट रास्ता उन्होंने अपनाया, तो उसके पोते पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत प्रभाव पड़ेगा। वो भी इसी तरह गलत ढंग से काम करना सीख जाएगा। तो हमें भी कभी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, मतलब कोई उसे सम्मान की नज़र से नहीं देखता, उसका अपमान होता है, वे हंसी के पात्र बनते हैं। ये दादाजी हंसी के पात्र बने। उसी प्रकार वो जो व्यक्ति था, मकान मालिक, उससे किराया लेने आया था, वह भी हंसी का पात्र बना। तो हम भी उसी प्रकार हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। मतलब कि हमारी कथनी और करनी कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। मतलब कि इस दुनिया में, इस जगत में अगर सम्मान पाना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है, तो हमारी कथनी और करनी हमेशा एक समान होनी चाहिए। महात्मा गांधी को देखो, महात्मा गांधी को आज भी हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कथनी और करनी एक समान है। वो जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। उन्होंने कहा था कि जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक मैं सूट बूट उतार कर खादी के कपड़ों में ही रहूँगा। तो आजीवन, जब तक भारत देश को आज़ादी नहीं मिली तब तक वो खादी के वस्त्र धारण करके ही रहे। वो बैरिस्टर थे, वकील की पढ़ाई की थी, और जब पढ़कर आए थे अफ्रीका से तो सूट बूट में आए थे। लेकिन जब भारत की गरीबी देखी, उसकी गुलामी देखी, तब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जब तक मेरा देश आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं सूट बूट या कोई कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ खादी के वस्त्र धारण करूंगा। और हम उसकी तस्वीर देखते हैं तो आज भी गांधी जी खादी के वस्त्रों में होते। सादा जीवन और उच्च विचार वो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और वही मनुष्य हमारे जीवन में, हमारे जगत में, इस दुनिया में सम्मान का पात्र बनता है। मतलब कि हमें भी जीवन में कथनी और करनी कैसे रखनी चाहिए? एक समान रखनी चाहिए, ताकि हम सम्मान के पात्र बने। विद्यार्थी मित्रों, यह निबंध यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके बाद का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।